कोरोना के कहर के बीच कटिहार से एक अच्छी खबर आ रही है। कटिहार में आज 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 8 मरीज ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीजों को डिस्चार्ज करते समय जिला पदाधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों ने ताली बजाकर इन मरीजों के कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उत्साहवर्धन किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर पर कटिहार के लिए यह अच्छा संकेत है, किसी भी मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। वही ठीक होने वाले मरीज ने भी कहा कि यह सुखद एहसास है, अगर लोग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश को माने तो आसानी से यह बीमारी ठीक हो सकती है। फीलिंग तो सर बढ़िया है। बेसिकली हम लोगों को स्टार्टिंग डे वन से ही फीलिंग बढ़िया था। हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोगों को कोई वायरस वगैरह जकड़ रखा है कुछ नहीं। हम लोग शुरू डे वन से ही स्ट्रांग थे, अभी भी स्ट्रांग है। क्या लोग अभी इस को लेकर बात पैनिक है, आप लोग खुद फेस किए क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली देखिए यहाँ पे पैनिक ना बीमारी से नहीं है। लोगों का जो गलत मैसेज वगैरह जाता है ना समाज के अंदर में, और समाज से जो गलत मैसेज निकल के आता है ना, लोग उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ये बीमारी वगैरह जो इतना ज्यादा जटिल नहीं है, सबका इलाज होता है। इससे बड़ा बड़ा कैंसर बीमारी, उनका भी इलाज होता है। लेकिन ये बीमारी जो गलत मैसेज अफवाह जो फैलता है ना समाज में, उससे जो सब उसके पास जो पेशेंट के पास आता है उससे ज्यादा वो हरासमेंट होता है और ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनको, इसलिए पैनिक नहीं होना है। तो ये सब चीजें होती है। बाकी तो क्या नाम है? पुष्प कुमार। थैंक यू। 8 लोग जो पॉजिटिव निकले थे वो यहाँ पे लगभग हफ्ते से 10 दिन के अवधि बिताने के बाद में आइसोलेशन सेंटर में, वो लोग दोबारा अब उनका जब टेस्ट लिया गया तो नेगेटिव आ गए हैं। और दोबारा टेस्ट लेने के फिर 48 घंटे में टेस्ट लिया गया तो पुनः उनका नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन 8 जो व्यक्ति थे उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। पैनिक ना हो इस तरह का कोई मैसेज? नहीं, पैनिक तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। और जितना भी अभी तक पॉजिटिव आए हैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो सकारात्मक दृष्टि से देखी जा सकती है वो है कि जो संक्रमण का फैलाव होता है वो नहीं अभी तक हुआ है। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं पॉजिटिव हुए हैं उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का हम लोगों ने कराया है तो लगभग 100 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में 5 ही दोबारा पॉजिटिव निकले हैं। यानी उसके आगे फैलाव हम लोग अभी तक रोकने में सफल रहे हैं। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बाकी अभी जो रिसेंट आए हैं 6 लोग का जो लेटेस्ट आया है अभी पॉजिटिव, तो वो दिल्ली या मुंबई से वो लोग आए हैं और वो लोग सीधे हम लोगों ने उनको इंटरसेप्ट करके और उनको क्वारंटीन कैंप में एडमिट कराया था। और क्वारंटीन कैंप में ही वो उनके जब हम लोगों ने जांच की तो पॉजिटिव हुआ है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कैंप में एटलीस्ट लिया जा रहा है, ये इसका प्रमाण है। और इस प्रकार जो समुदाय में संक्रमण है उसकी अभी तक की जो हम लोग को सिम्टम दिख रहे हैं कि वहां पे अभी फैलाव रोकने में आप सभी लोगों के सहयोग से तो सफल हुए। कटिहार का टोटल आंकड़ा भी क्या है? देखिए 17 हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। 1 व्यक्ति है जो मालदा में जिनका टेस्ट हुआ है और वहाँ की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, तो हम लोगों ने उनको भी अभी आइसोलेशन में ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो इस प्रकार टोटल 18 लोग हो गए जिसमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो गए।